Dear students, this is my 35th video and today I'm going to discuss about the topic of deficit financing, or in Hindi we can call it as घाटे की वित्तीय व्यवस्था. जैसा कि आपको इस टॉपिक के शब्दों से ही ज्ञात हो रहा होगा कि हम लोग जो आज टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं वो है घाटे के शब्द से. तो बजट के घाटे द्वारा कुल राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि के लिए किया जाता है, चाहे वह घाटा आय खाते में हो या पूंजीगत खाते में. जब सरकार जानबूझकर सार्वजनिक आय तथा व्यय में अंतर अथवा बजट में घाटा उत्पन्न करे और घाटे की पूर्ति किसी ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े, तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं. इस घाटे की वित्त व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं, अवगुण भी हैं. जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, हर एक टॉपिक के कुछ अपने मेरिट डिमेरिट और उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं. तो लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ डेबिट फाइनेंसिंग. तो घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप सरकार को पर्याप्त वित्तीय साधन प्राप्त हो जाते हैं. सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था से धन प्राप्त करके बेरोजगार साधनों को रोजगार प्रदान करते हैं. इसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है तथा आर्थिक विकास की दर ऊंची हो जाती है. ये एक मेरिट है. सेकंड पॉइंट इज, अल्प विकसित देशों में काफ़ी मात्रा में प्राकृतिक साधन पाए जाते हैं, परंतु मुद्रा के अभाव में उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता है. घाटे की वित्त व्यवस्था से सरकार के मौद्रिक साधन बढ़ जाते हैं. सिमिलरली, घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा धन प्राप्त करके सामाजिक ऊपरी लागत के साधनों अथवा रेलवे, सड़कों, नहरों, बिजली परियोजनाओं, स्कूलों, अस्पतालों का विकास करना संभव हो जाता है. इनके विकास के फलस्वरूप देश की आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है. विकास की गति तीव्र करने के लिए जहां एक ओर कृषि तथा उद्योगों का विकास करना आवश्यक होता है, वहां सामाजिक ऊपरी पूंजी के विकास की भी अधिक आवश्यकता होती है. इनके विकास के लिए उचित मात्रा में धन घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त करना संभव हो पाता है. तो ये सब हमारे घाटे की वित्त व्यवस्था के कुछ गुण थे. अब हम डिस्कस करेंगे इसके डीमेरिट्स की, घाटे की वित्त व्यवस्था के दोष. सबसे पहले इसमें दोष बताया गया है कि यह योजनात्मक विकास के लिए अधिक उचित नहीं होती है. चूँकि हमारी जो यह प्रणाली है, जो भी हमारे गवर्नमेंट में बजट का तरीका है, उसमें बहुत सारी योजनाएँ बनती हैं. घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अक्सर ऐसी वस्तुओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यहाँ योजनात्मक विकास के लिए यह अधिक उचित नहीं होती है. सेकंड इज, घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है. कीमतें बढ़ने के कारण निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं, तथा देश का भुगतान शेष प्रतिकूल होता जाता है. यह विकास के लिए उचित नहीं है. घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप लोगों की आय तो बढ़ती है, वे आयातित उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड्स की अधिक मांग करने लगते हैं, परंतु देश के निर्यात कम होने के कारण इन वस्तुओं के कानूनी आयात आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाते हैं. आयातित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग स्मगलिंग को बढ़ावा दे सकती है. घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, परंतु निजी क्षेत्र के खर्च इतने नहीं बढ़ पाते, इसलिए बैंक में जमा जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं. इनके आधार पर बैंक अधिक साख का निर्माण करती है. बैंकों द्वारा किए गए साख निर्माण के फलस्वरूप मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने लगती है. इस प्रकार मुद्रा तथा कीमत वृद्धि का जो चक्र है वो आरंभ हो जाता है. इसका आर्थिक विकास पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये सब कुछ घाटे की वित्त व्यवस्था के डीमेरिट्स थे। अब हम देखेंगे कि ये घाटे की वित्त व्यवस्था बजटीय घाटे को पार करने के साधन के रूप में किस प्रकार प्रयोग की जाती है। दिस डेफिसिट फिनेंसिंग और बोरोइंग एज अ मीन्स टू कोप विथ बजटरी डेफिसिट। बजट में जब डेफिसिट होती है और ये डेफिसिट फिनेंसिंग किस तरह से हमारे बजट को कोप करता है, मदद करता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का एक अन्य साधन है जिसके द्वारा बजटीय घाटे को कम किया जा सकता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से हमारा अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, और इसका अर्थ है कि देश की मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में और वृद्धि करना। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि देश में सामान्य कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अन्य बातें यदि समान रहें तब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से कीमत स्तर में अक्सर वृद्धि देखी जाती है। मुद्रास्फीति लोगों की क्रय शक्ति को कम कर देती है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा किया है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति दबाव के रूप में खतरनाक प्रभाव हमारे देश पर करते हैं। लोगों की सामाजिक शांति का कारण अशांति का कारण भी बनती है। इससे साधनों की लागतें भी बढ़ती हैं। इसके फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर के ओ और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं नज़र आती है। इससे सरकारी व्यय और सरकारी राजस्व के बीच के अंतराल को कम करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की एक उपाय के रूप में निर्भरता तभी की जानी चाहिए जब इसका स्फीतिक प्रभाव कुछ सीमाओं के अंदर ही पड़ता है। तो बजटीय घाटे को पार करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था कोष एकत्रित करने का एक बहुत ही सरल उपाय है, परंतु यह अपने साथ स्फीतिक प्रभाव भी लाता है जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। तो जब अभाव पूर्ति और अत्यधिक मांग का दबाव अर्थव्यवस्था में पहले से ही है, जैसे कि भारत जैसे कई अल्प विकसित देशों में नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे अपने बजट के टाइप्स के बारे में। हमारा जो बजट भी है वो भी उसके भी तीन टाइप्स हैं। पहला है संतुलित बजट, जिसे हम बैलेंस्ड बजट के नाम से जानते हैं। दूसरा है असंतुलित बजट, जिसे हम अनबैलेंस्ड बजट के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट इज डेफिसिट बजट, जिसे हम घाटे का बजट के नाम से जानते हैं। संतुलित बजट, जैसा कि नाम में ही अर्थ छुपा है, संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री संतुलित बजट लागू करने के पक्ष में थे। उनके अनुसार संतुलित बजट के मुख्य लाभ हैं, जैसे सरकार अपव्यय नहीं की कर सकती है, वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। परंतु इसके भी कुछ शॉर्टकमिंग्स या डिमेरिट्स हुए थे, जैसे कि 1930 की महामंदी के फलस्वरूप संतुलित बजट की आलोचना की गई थी। इसमें भी दोष पाए गए थे। विकसित देशों में महामंदी तथा बेरोजगारी का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो पा रहा था। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए यह उपयुक्त ही नहीं था। इन देशों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता होती थी, चाहे इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुछ इन्फ्लेशन ही क्यों ना हो जाए। उसी प्रकार असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, सरप्लस बजट, बजट का बजट, या फिर घाटे का बजट। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि दो टाइप्स मिल रहे हैं हमें। तो इस तरह से ये हमने बजट के चैप्टर और जीएसटी, फिर
हमने डेफिसिट फिनेंसिंग के पॉइंट्स को देखा और समझा है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। थैंक यू स्टूडेंट्स।